हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलाहाबाद बैंक का पासबुक कैसे डाउनलोड करें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट रूप से जानकारी देने वाले हैं कि इलाहाबाद बैंक का पासबुक या स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में ईएम पावर ऐप को इंस्टॉल कर ले, और इंस्टॉल करने के बाद आप वहां पर जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको आप कंप्लीट रूप से क्लियर कर ले। और यदि आपने ईएम पावर ऐप को कैसे रजिस्टर करना है और कैसे एम पिन बनाना है, यदि आपको जानकारी नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अकाउंट में लिंक दे देंगे। आप वहाँ से उस वीडियो को देख कर आप एम पावर ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम सिंपली यहां पर एम पिन डालकर लॉगिन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि हमारी जो भी इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इलाहाबाद बैंक एम पावर ऐप को ओपन कर रखा है और यहाँ पर एम पिन मांगा जा रहा है। तो सिंपली हम अपना एम पिन यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, जो भी एम पिन है यहाँ पर हम इसको फिलअप कर लेंगे। और फिलअप करने के बाद यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे हम लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो चुका है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप का इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको सिंपली नीचे में यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा माय अकाउंट बैंकिंग सर्विस एंड मोर का ऑप्शन। तो सिंपली आपको यहाँ पर बैंकिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बैंकिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिंपली नीचे चले आना है और नीचे में आपको यहाँ पर एम पासबुक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको एम पासबुक पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, एम पासबुक क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर दे। आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है नीचे में, तो आप सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर दे। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर चुनना होगा, जो आपका अकाउंट नंबर है यहाँ से आप इसे चुन सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डेट और मंथ है यहाँ से आप डेट बाय डेट डाउनलोड करना चाहते हैं या मंथ के अनुसार डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। और ओनली आपको यहाँ पर 150 ट्रांजेक्शन दिखाया जाएगा लास्ट वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप मंथ को भी चुन सकते हैं, किस मंथ से किस मंथ तक, या तो आप यहाँ से डेट को भी चुन सकते हैं, इस डेट से इस डेट तक। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर जनवरी 2020 से और अब तक का मैं यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। और देखिए, मैंने यहाँ पर डेट को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर एम पासबुक डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है यह पासबुक जो है आप यहां पर देख सकते हैं, एम पासबुक सक्सेसफुली सेव्ड एज पीडीएफ एट फाइल स्टोरेज में, जो कि एम पावर एम पासबुक और इसके नाम से सेव हो चुका है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम दिखाते हैं कि यह पासबुक हमारा कहां पर सेव हो चुका है। सेव होने के बाद फ्रेंड्स, यहां से आप इसको लॉग आउट कर दें। यहां पर लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसको लॉग आउट कर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ से चलिए मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और आपको ले चलता हूँ एम पावर पासबुक ऐप जो डाउनलोड हुआ है उस पर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर ले और डॉक्यूमेंट्स पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम पासबुक डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह इलाहाबाद बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से अपने अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपका एम पावर ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और आईकार्ड में भी लिंक दिया हुआ है, से आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं और एम पावर ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एम पावर ऐप में लॉगिन करने के लिए आपको या तो यूजर आईडी इंटरनेट बैंकिंग का होना चाहिए या तो आपके पास एटीएम होना चाहिए। एटीएम है आपके पास तो आप आराम से लॉगिन कर सकते हैं और आपका अकाउंट में जो मोबाइल नंबर दर्ज है वह आपके मोबाइल में रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीका से आप
लॉगिन करके अपने पासबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स लास्ट पे मैं बता दूं, यदि आप घर बैठे इलाहाबाद बैंक का एटीएम मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए कैसे मंगाएं ऑनलाइन तरीके से, तो इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकें जिसमें मैं आपको कम्प्लीट रूप से बता सकूँ और पूरी प्रोसेसिंग के साथ दिखा सकूँ और ऑनलाइन करके भी दिखा सकूँ कि किस प्रकार से आप घर बैठे अपने इलाहाबाद बैंक के एटीएम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।